यार कभी कभार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पबजी मोबाइल भूल जाता है कि मैं पबजी मोबाइल हूँ यार। हरकत ही पबजी मोबाइल लाइट वाली करता है यार ये। मतलब प्रॉब्लम क्या है इस गेम की यार। अब देखो यार, ये जो बंदा अंदर खड़ा हुआ है इसके पास बेस्ट नहीं है, तुम्हें भी दिख रहा है। और भाई साहब AKM की इतनी गोली झेल कैसे गया है और मरा भी नहीं भाई साहब। मतलब तुम अच्छी तरह से देखोगे ना एक बार तो इसको 6 गोली से कम नहीं लगी भाई साहब, लेकिन नहीं मरा भाई साहब, नहीं मरेगा ये। Watch out. Excellent work. अब देखो यार, उसके बाद हम यहाँ से रोजोक से, मतलब रोजोक में 2 बॉट मार के जोर जो पुल जाने वाले थे, लेकिन अपार्टमेंट वाले बंदे हमारे ऊपर फेल के फायरिंग करते हैं, तो हम सोचे भैया पहले इनको ही निपटा लेते हैं। तो भैया हम आ जाते हैं इन्हें निपटाने के लिए, और हम आते ही 2-3 पट्टियां मारते कि तब तक यहाँ पे एक गाड़ी वाला आ जाता है, मतलब बाइक लेके। पता नहीं कहाँ जा रहे थे, धूम 4 की शूटिंग चल लिया कि जो इतनी तेजी से भाग रहे हो भाई साहब। देखो यार, इनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज होती है और हम भी पूरी तरह से मार नहीं पाते, क्योंकि मुझे लग रहा था ये जो ऊपर एनिमी बैठे ये नहीं टपका दे हमको, तो हम अच्छी तरह से नहीं मार पाते और वो तो बच जाते, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ूंगा अब मैं। देख लेना बस, थोड़ी बहुत देर में डब्बा बना दूंगा इनका मैं। तो देखो यार, ये बात तो तुम्हें बहुत दिनों से पता है, अच्छी तरह पता है, कतई तुम अच्छी तरह समझते हो कि मेरे जो टीममेट होते हैं ना, इन्हें नॉक होने में जो मजा आता है ना भाई, क्या ही बताऊं। मतलब इतना मजा तो मेरे को बंदे मारने में नहीं आता जितना इनको नॉक होने में आता भाई साहब। तो देखो यार, इन्हें मारने के बाद मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आने लग गई थी, मुझे वो दिन याद आ गए थे मेरे जिस दिन मैंने फर्स्ट बार 1v4 किया था। और भाई क्या ही बताऊं, उस दिन मतलब मैंने जब अपने दिल पे हाथ रखा ना, बहुत जोरों जोरों से धड़क रहा था मेरा दिल, लेकिन आज नहीं धड़क रहा था भाई साहब, तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ। मैंने कहा चलो भैया पैनिक होना तो भूल गया, कम से कम मैं पहले हो जाते थे यार पैनिक, अभी नहीं होता हूं मैं, तो थोड़ी सी खुशी मिली। लेकिन भाई साहब तुम्हें पता ही है मेरे टीममेट, तो भाई क्या ही कहूं, मतलब क्या ही बताऊं, नॉक होने का तो तुम्हें पता ही है इनका रिकॉर्ड, कल से परसों से 3-4 दिन से तुम देखते ही आ रहे हो कि मेरे टीममेट जब नॉक होते हैं ना भैया, इनको खूब पता है बंदे मारेंगे नहीं, लेकिन इन्हें तो लूटना भाई साहब, लूट चाहिए इनको। तो देखो यार, एक बार तो ये बंदा बहुत बुरी तरह से डर जाता है और हमें देख के नीचे भाग जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भैया थोड़ा लूट लिया जाए, लेकिन मुझे क्या पता था भैया थोड़ी बहुत हिम्मत पता नहीं कहां से ले रहा था, नीचे जाके चार्ज हो रहा था, जाने क्या हो रहा था, मतलब फिर से वापस आ जाता है यार। बस फर्क इतना सा होता है कि इस बार ये नीचे नहीं जा पाता, और सही बता रहा हूं, जो गैस कैन का डब्बा रखा हुआ था ना, फट जाता ना तो इसके साथ साथ हम दोनों का और डिब्बा बन जाता, मतलब किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया, हमको हम खुद ही मर जाते। और भैया यहाँ पे एक टीम आती थी, एक टीम मरती थी, इससे पहले एक और टीम आ जाती थी, मतलब यहाँ पे बंदे आते ही जा रहे थे। पता नहीं अपार्टमेंट में क्या रखा हुआ भैया, जिसको देखो यहीं पे भाग के आता है। तो ये वाले भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाते और कहते भैया मैं एंगल बदलता हूँ, उधर की छत पे से मारूंगा नहीं, लेकिन मेरा जो टीममेट है ना बड़ा ही हरामी है, बड़ी मुश्किल से वापस बुलाता हूँ यार इसे, मैं फिर से जा रहा मरने के लिए। मतलब यार मजा आता है क्या तुम्हें नॉक होने में, मुझे एक बार ही बता दो यार। और उसके बाद भाई साहब जो बंदा हमारे नीचे बैठा हुआ था ना, मैंने कहा भाई साहब पहले इसे ही ठोक देते क्योंकि ये बहुत परेशान करेगा बाद में।
और देखो यार गाइस, आज तुम्हें एक चीज नोटिस करना, मतलब मैं जब अपार्टमेंट में आया था तो मेरे सिर्फ 2 किल थे, लेकिन जब मैं जाऊंगा ना यहाँ से तो मेरे किल देखना भाई साहब, कितने सारे किल हो गए थे। देखो यार, इस बंदों को मैं एक आध गोली तो मार पाता हूँ, लेकिन इसे पूरी तरह से नॉक नहीं कर पाता हूँ। और उसके बाद मेरा जो टीममेट होता ना भैया, चला जाता है जंग में और जोर जोर से चिल्लाता हेल्प हेल्प। मैंने कहा रुको जरा, सबर करो, आता हूँ यार। अब देखो उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं सोचता हूँ भैया नेड़ की पिन खींचते, क्या पता ये बंदा नीचे कूद जाए। इनको जैसे ही नेड़ की पिन की साउंड आएगी ये थोड़े बहुत हिलेंगे, जिससे पता भी चल जाएगा कि ये है कहाँ पे। लेकिन भाई साहब मैं जैसे ही पिन खींचने लगता हूँ ना, ये तो हिलना ही बंद कर देते। अजीब बंदे यार ये। अब देखो यार, एक टीम तो यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, और जो बंदा आया था ना डासिया से, वो इनके टीम का नहीं था भाई साहब, वो तो पता नहीं कहाँ से भूला भटका बेचारा, इधर फायरिंग की साउंड सुनी आ जाता है यहाँ पे, थर्ड पार्टी करने आया था भाई साहब, लेकिन हमने तो इसका ही थर्ड पार्टी कर दिया। और उसके बाद ये खत्म हो चुका है। और देखो भाई, जब भी मेरे किल हो चुके 11, और जब मैं किल लेके यहाँ पे आया था तो सिर्फ 2 बॉट मार के आया था रोजोक में, क्योंकि वहां पे कोई उतरा ही नहीं था यार। और उसके बाद जब हम इधर आते हैं ना, तो सामने एक गाड़ी दिखाई देती है, जहां पे कि मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरे टीममेट को पता नहीं कौन दिख जाता है वहां पे। तो पहले तो मैं सोचता हूँ ये मजाक कर रहा है यार, ऐसे कौन होगा, वहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन वहां पे सच में ही बंदे थे यार। फिर मैं घूम के जाता हूँ, मैंने कहा चेक तो कर लिया जाए, क्या पता कोई बैठा हो भाई साहब। देखो यार, मैं जब तक अपनी गाड़ी नहीं रोकता हूँ, जब तक कि इस भाई की गन रिलोड पे नहीं चली जाए। और जैसे इसकी रिलोड पे जाती है, हम इसे टपका देते। मुझे पता था बेटा कितनी चलाएगा M4 में, कितनी गोलियां, 40 ही तो गोलियां, खत्म कर ले भाई साहब, आराम से पेलेंगे तेरे को बाद में, और इसे हम निपटा देते यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसे सस्ते में निपट जाता है तो। और उसके बाद भैया थोड़ी बहुत लूटपाट करते हैं इनसे, और इधर एक डब्बा गिर रहा होता है तो हम आ जाते हैं इस पर डब्बा लूटने के लिए। लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है, अब देखो यार गाइस, होने को तो यहाँ पे एक ही बंदा था, लेकिन भाई साहब मैं गलती से इन्हें 2 समझ लेता हूँ और कंफ्यूज हो जाता हूँ, इस वजह से मैं अपने टीममेट को भी नहीं बचा पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भैया नॉक ही तो हुआ है, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि ये कितनी बार नॉक हो चुका है, मुझे याद ही नहीं रहा कि ये कितनी बार नॉक हुआ है। और भाई साहब इसी के चक्कर में ये खत्म हो जाता है, मैं इसको रिवाइव भी नहीं देता हूँ। और जो एनिमी था ना, ये भी बड़ा ही हरामी था भाई। यार मतलब तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, एक तो तूने मेरे टीममेट को निपटा दिया और उसके बाद भाग और रहा है यार, मतलब ये कौन सी बात है भाई, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा तुझे, मतलब कुछ भी सोचते हैं यार एनिमी लोग। देखो ये जो बाइक वाली लौंडिया थी ना, बड़ी बदमाश थी यार, सही बता रहा हूँ, बहुत बदमाश थी। अब तुम सोच रहे होंगे तुझे कैसे पता कि ये लौंडिया ही थी, अबे मुझे पता है यार, देख लेना थोड़ी देर के बाद ये इनके पिछवाड़े में चनूने लग रहे हैं, फिर यहीं आ जाएंगे भैया घूम फिर के। बड़ा मजा आ रहा है यार इनको बाइक चलाने में, और पीछे बैठे बैठे कट्टा और चला रहा बाइक पे, देख रहे हो हरकतें, देख रहे हो इनकी। और जब पबजी वाले, ये जो रेलिंग लगी इनका कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों लगाया भैया, हटा दो ना इनको, मतलब। और ये बाइक वालों को तो बहुत मजा आ रहा है बाइक चलाने में आज। तो देखो आयुषी मैडम को यहाँ पे निपटा दिया जाता है, वैसे आयुष लड़के का नाम होता, आयुषी शायद लड़की का होता होगा,
शायद होता होगा, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन होता होगा ना, तुम्हारे हिसाब से भी होता होगा। तो आयुषी दीदी, आयुषी मैडम, कुछ भी बोल लो, बड़ा मजे ले रही थी पीछे बैठ के घूमने में, लेकिन निपटा दिया जाता उसे। और उसके बाद एक ही बंदा बचता जो कि होता साहिल खान। तो देखो यार, साहिल खान चाचा जो हमारे होते ना, ऊपर टीपी भी ले रहे होते, तो मैं भैया नेट की पिन कुक करता हूँ। मैंने कहा क्या पता थोड़ा डर जाए, और डर भी जाता, और इसका डर ही से मरवा देता है। भैया M249 लेके आए हम, ऐसे सस्ते में थोड़ी ना छोड़ देंगे तुझे। M249 से इसे निपटा दिया जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो क्या करोगे पता है ना तुम्हें, कर लेना है ना।